लिए किया। मैं समझता हूँ उनकी कोई तैयारी नहीं, इसलिए किया। उनको वॉकआउट करना था, उनको बहिष्कार करना था, वॉकआउट करना था, तो इसलिए उन्होंने सारा जो आचरण था उसने किया। शनिवार को जगाधरी पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने शांति कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर जब पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस के वॉकआउट और विधायक रघुवीर कादियान द्वारा बिल की कॉपी फाड़ने पर प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं था और कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए उसने सदन से वॉकआउट किया। वहीं स्पीकर द्वारा रघुवीर कादियान को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित करने को भी शिक्षा मंत्री ने सही ठहराया। फैसला अध्यक्ष का फैसला होता है, वही फैसला है, उसके आधार में वो गलत है। और मैं समझता हूँ कि किसी ने भी अगर गलती की है तो उसको गलती को स्वीकार। मैं समझता हूँ कई बार उत्तेजना में भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसको मान लेना चाहिए उस बात को। तो लेकिन क्योंकि उनको वॉकआउट करना था, उनको बहिष्कार करना था, वॉकआउट करना था, तो इसलिए उन्होंने सारा जो आचरण था ये किया। मैं समझता हूँ उनकी कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए किया, नहीं तो उनको मानना चाहिए। सर क्या हम तो करना चाहते हैं, हम जवाब देना चाहते हैं, वो जो प्रश्न उठाना चाहते हैं। धर्म धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था उसमें, केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ पका के करा दे। मान लीजिए किसी को कह दे तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह दे तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच दे के किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पत्री बदलना चाहता है तो बदल सकता है, और डीसी के पास दे और 1 महीने के बाद वो कर सकता है। बता दें कि शुक्रवार को जब सदन में सरकार की तरफ से धर्मांतरण को लेकर बिल पेश किया गया तो उसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे इस बिल की जरूरत पड़ी हो। वहीं शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि बहला फुसला कर और लालच देकर धर्मांतरण कराने के खिलाफ कानून है। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।